हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ नंबरिंग को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 degree एंड 30 degree रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्या हैं, पोल्स हैं, ठीक है, और रोड के क्या हैं, अलग अलग साइड पे हैं। ठीक है, अपोजिट साइड, यानी कि एक पोल अगर ऐसा है, ठीक है, और एक क्या इधर है। ठीक, आ रही बात समझ में, और दोनों क्या हैं, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, और क्या बोलना है कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ ग्राउंड में किसी भी पॉइंट पर क्या करते हैं ये लोग, मतलब क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो क्या बनाते हैं एंगल, एक जहाँ एंगल क्या बनता है 60 का, दूसरा क्या बनता है 30 degree, क्या करते हैं एंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 60 का हो गया तो दूसरा क्या बनता है 30 degree का एंगल बनता है। ठीक, ये आपसे कह रहा है, और इनके बीच में दोनों पोल के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 meter है। ठीक, आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि इन पोल की हाइट कितनी है, पोल की क्या है हाइट कितनी है, यानी कि और जहाँ पर ये ग्राउंड में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो आप क्या कर दो, नाम दे दो ए बी सी डी ई। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यानी कि ए बी और डी ई पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि डी सी और सी बी कितना होगा। ठीक है, अगर आप इसे एक्स मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 - x होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, ये x हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा 80 - x। ठीक, तो आप क्या करो, आप लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहो कि लेट सी बी इजक्वल टू एक्स एक्स मीटर एंड डी सी इजक्वल टू 80 - x। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो सोल्यूशन में, लेट बी सी इजक्वल टू एक्स मीटर और डी सी इजक्वल टू 80 - x मीटर एंड लिखना हाइट ऑफ पोल्स इज h मीटर। ठीक है, h है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल, ठीक है, आप क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, आप क्या अप्लाई करोगे, टेन थीटा इजक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन बेस कितना है x। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, इक्वल टू h अपॉन x। ठीक, तो h अपॉन x जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि h x इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 h, ये आपको मिलेगा। ठीक है, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या करोगे, आप कि दूसरा ट्रायंगल लोगे ई डी और सी, क्या है ई डी और सी में। ठीक है, यहाँ भी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 इक्वल टू एच अपॉन 80 - x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू एच अपॉन 80 - x। ठीक है, यानी कि इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो √3 ब्रैकेट में आएगा 80 - x इक्वल टू h। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे कि या तो आप x की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप क्या करो h की वैल्यू उठाकर आप इसमें पुट अप कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 h इक्वल टू h, √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 80 √3 माइनस √3 × √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3 एच इक्वल टू एच, इस एच को इधर लेके जाओ तो 80 √3 एच प्लस 3 एच, यानी यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको क्या करोगे ऐड करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 4 एच इक्वल टू 80 √3, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 √3 / 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, ठीक है 20 आ जाएगा।
तो यहाँ से जो आपके पास एच की वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या होगा 20√3 मीटर। ये क्या है, हाइट है किसकी, पोल की। ठीक है, आगे आपको क्या निकालना है, इसमें पुट अप कर दो, x इक्वल टू क्या था, √3 × h है, तो √3, h की वैल्यू क्या है 20√, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 × √3 क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा ओनली × 20। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 3 × 20। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आपके पास आएगी 60, क्या आ जाएगा 60 आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमने क्या माना था, x था वो क्या था BC है। ठीक है, तो जो BC इक्वल टू होगा वो हो जाएगा 60 मीटर, और जो DC इक्वल टू होगा वो क्या था 80 − x था, 80 − 60। ठीक है, तो DC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो आप यहाँ पे ये लिखोगे द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है, आर 20√3 एंड, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन आर क्या है 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, ये पूरा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कह रहा है, आ टीबी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फिगर गिवन है, आगे आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनल, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है आपसे कह रहा है, ठीक है, कि एक क्या है टावर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक टावर है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर एक कैनल है इसके बगल में, ठीक है, कैनल के बगल में, ठीक है, जैसे जो नाले होते हैं वही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बगल में क्या एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ से जो टॉप का एंगल बनता है वो क्या बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, जब इसी से थोड़ा सा और आगे जाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है आपसे, अब बनता है 30 डिग्री। ठीक है, सेम साइड है। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप हाइट बताओ, उस टावर की हाइट कितनी है और विड्थ यानी कि कितना कैनल चौड़ा है। ठीक है, अगर आप इतनी लेंथ निकाल लो तो वही क्या होगा, कैनल की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। ठीक, तो ए बी सी डी, ठीक है, हमसे ए बी और बी सी पूछ रहा है, बी सी क्या होगा कैनल का विड्थ होगा। ठीक है, कैनल क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, और ए बी क्या होगा, हाइट हो जाएगा, किसकी हाइट हो जाएगी, टावर की। ठीक है, और आपको एक वैल्यू और गिवेन है, जितनी वो डिस्टेंस यहाँ से आता क्या होता है, चलता है। ठीक है, वो आपको क्या है 20 मीटर गिवेन है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या लोगे ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो क्या हो जाएगा आगे, टेन 60 इक्वल टू एच अपॉन बी की वैल्यू क्या होगा, बी सी, ऐसे रहने दोगे। ठीक है, बी सी आ जाएगा। ठीक, चाहे आप यहाँ पे एक्स मान लो, चाहे बी सी रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू एच अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एच अपॉन √3। एक आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप क्या अप्लाई करोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू एच, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरा आ जाएगा बी डी। ठीक है, बी डी होगा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है √3, 1/√3 होगा, एच अपॉन बी डी,
तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रूट थ्री एच, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक, हमें बी सी निकालना है, ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा, जो बी डी इक्वल टू होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी होगा। ठीक है, बी डी की वैल्यू हमें पता है रूट थ्री एच है, ठीक है, और बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू बी और सी, ठीक है, बी सी सेम ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस आगे क्या है आपके पास डी सी, ठीक है, तो जो डी सी है वो क्या है, डी सी 20 है। ठीक है, आ रही बात समझ में यहाँ तक, ठीक। और पीछे हमने एक चीज़ और निकाला था, बी सी की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या था, एच अपॉन रूट थ्री निकाला था, ठीक है, तो यहाँ से जो बी सी की वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, एच अपॉन रूट थ्री प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट थ्री एच इक्वल टू एच, यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 20 रूट थ्री होल क्या आ जाएगा रूट थ्री, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच इक्वल टू एच प्लस 20 रूट थ्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3h, यहाँ पर h प्लस 20 रूट थ्री। ठीक है, आप क्या करो, रूट थ्री को मतलब सॉरी h को एक साइड ले आओ, 3h माइनस का h इक्वल टू 20 रूट थ्री, यहाँ पर क्या बचेगा, 2h इक्वल टू 20 रूट थ्री, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 बाई 2 रूट थ्री। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो क्या वैल्यू बचेगा, h इक्वल टू 10 रूट थ्री, यानी कि जो इसकी हाइट आ रही है टावर की वो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, हाइट जो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, 10 रूट थ्री वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे आप क्या करोगे, एच की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, हमें क्या निकालना था, बी सी। ठीक है, आप क्या करो, अगर आप इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, एच की, तो आपके पास बी सी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखना, पुटिंग इन इक्वेशन वन, ठीक है, तो आप पुट करोगे जब, आप यानी कि आप यहाँ पे पुट करोगे जब, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, रूट थ्री इंटू 10 रूट थ्री इक्वल टू, ठीक है, बी सी प्लस क्या है, यहाँ पर 20 ओनली, यहाँ पर ये लाइन है ना, ठीक है, इसी मैंने पुट अप किया है। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा, 3 इंटू 10 इक्वल टू बी सी प्लस 20, ये क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, 20 को इधर ले आओ, 20 बी सी, ठीक, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर, यानी कि जो विड्थ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख दो यहाँ पर थ्योरी, द हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट थ्री एंड, ठीक है, एंड आप लिखोगे विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। ठीक है, इतना क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप लिखना चाहो तो नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था एक बार हमको, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपसे कह रहा था, ठीक, एक टावर है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जो क्या है, एक कैनल के साइड पे है, कैनल के दूसरे साइड पे एक पॉइंट है, ठीक है, जो टावर के टॉप से एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, 60 डिग्री का। ठीक है, जब उसी साइड में आप 20 मीटर और चलते हैं, ठीक है, तब एंगल बनने लगता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि आप इसमें बताओ कि टावर की हाइट कितनी है और कैनल का विड्थ कितना है। ठीक है, तो ये बी सी का कैनल का विड्थ होगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व किया, पहले आपने ये एंगल ले लिया, ठीक है, जहाँ पर आपने एच में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये एंगल ले लिया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया, एक इक्वेशन बना। ठीक, वही इक्वेशन आपके पास ये बन रही थी। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, ठीक है, जो बी सी की वैल्यू निकाली थी उसको अगर जब पुट अप कर दिया, जो एच के टर्म में क्या आ गया, एक रिलेशन मिला, यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट अप कर दिया एच की वैल्यू, जिससे बी सी मिल गया। बी सी यानी क्या है, विड्थ ऑफ कैनल है। ठीक है, तो एच और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, यहाँ तक अब सबको समझ में आ गया। ठीक, थैंक यू।